नमस्कार, आई एम सतपाल पांचल और आज का टॉपिक है कंप्यूटर हिस्ट्री। आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कंप्यूटर के इतिहास को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड करना। ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी यंत्र जो कोई रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, हमें रिजल्ट देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब रिजल्ट तो कई सारी डिवाइसें देती हैं, घड़ी हमें टाइम बताती है, थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताता है, गाड़ियां हमें स्पीड बताती हैं, कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट टाइप में कुछ भी। तो ये सारे कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? कंप्यूटर का इतिहास स्टार्टिंग से ही हो गया था। स्टार्टिंग का मतलब जैसे आदिमानव के टाइम में। अब आदिमानव पे कहाँ से कंप्यूटर आ गया? जी हाँ, आदिमानव के पास भी कंप्यूटर था। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कोई भी ऐसा यंत्र जो किसी चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि जिसके में कीबोर्ड हो, माउस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वही कंप्यूटर होता है। स्टार्टिंग में भी कंप्यूटर थे। कैसे थे, चलो बात करते हैं। कौन से ऐसे वो कंप्यूटर थे जो आदिमानव के पास थे? कंप्यूटर हिस्ट्री में बताया गया, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वेरी लॉन्ग एंड एगो। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, इतिहास बहुत लंबा और पुराना है, कोई आज का नहीं है। When man used his finger for counting any number, सबसे पहले आदमियों ने किसी वैल्यू को, किसी नंबर को काउंट करने के लिए, when man used his finger for counting any number, ठीक है, किसी नंबर को काउंट करने के लिए अपनी उंगलियों का यूज किया था, किसी नंबर को काउंट करने के लिए। कैसे? जैसे अब स्टार्टिंग में आदिमानव तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो जैसे उनसे कोई पूछता था आपके कितने बच्चे हैं, वहाँ पर कितने पर्सन हैं, तो वो अपना उंगलियों में इशारा कर देते थे, भाई 2 हैं 3 हैं 5 हैं 10 हैं। उन्हें उंगलियों से इशारे करने आ गए थे कि ये 2 नंबर की वैल्यू है, ये 3 नंबर की वैल्यू है, ये 4 नंबर की वैल्यू है। यानी वो क्या बता रहे थे, वहाँ से रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे थे अगले को। देखो वो हिंदी लैंग्वेज यूज करते थे, इंग्लिश यूज करते थे, वो तो मुझे भी नहीं पता कम्युनिकेशन क्या होती थी उनकी, लेकिन किसी नंबर को काउंट करने के लिए सबसे पहले आदमी ने अपनी उंगलियों का यूज किया था स्टार्ट करना। आगे बताया गया है, कैव डवेलर वांट टू रिमेम्बर हाउ मैनी एनिमल एंड पर्सन दे हैड किल्ड इन हेड हट। कैव डवेलर क्या होता है, मतलब आदिमानव टाइप के ही लोग लगा लो एक तरह से, जो गुफाओं में रहते थे और जिनके पास अपना घर नहीं होता था। जैसे आज हमारे पास तो घर है, उस टाइम में आदिमानव टाइम में कहाँ घर हुआ करते थे, तो अपने झोपड़ी में रहते थे, या लिखा भी है दे हैड किल्ड इन हेड हट, या अपनी गुफाओं में रहते थे। तो यहाँ पर क्या बताया, द कैव डवेलर वांट टू रिमेंबर हाउ मैनी एनिमल एंड पर्सन दे हैड किल्ड इन हेड हट। यानी उनका कोई रिलेटिव, जैसे कोई पर्सन हो गया या उनका कोई पशु पक्षी हो गया, कोई उन्हें मतलब बिल्कुल ही प्यारा था, और उसको याद रखने के लिए वो क्या करते थे, वांट टू रिमेंबर। जैसे आजकल हमारा कोई पेरेंट्स एक्सपायर होता है, हमारे दादा परदादा, हम उसकी फोटो बनवा लेते हैं याद रखने के लिए, करते हैं ना। तो आदिमानव भी ऐसे ही करते थे। तो उनके पास कौन सा कैमरा आ गया, कैमरा नहीं हुआ करता था उनके पास। आगे बताया गया है, दे ड्रॉ करप्ट पिक्चर ऑन दी वॉल। वो क्या करते थे, उसकी क्रब पिक्चर बनवा देते थे वाल के ऊपर। वाल मतलब दीवार के ऊपर, पत्थर से खुर्च कर या पत्थर की कोई ऐसी पिक्चर बनवा देते थे, जिससे वो अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें ये तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, या समथिंग कुछ भी थे। तो कैंड वेलर ने क्या किया था, डाटा स्टोर करने की शुरुआत कर दी थी। मतलब वो पिक्चर क्या होगी, वो तो स्टोर होगी दीवार पे, जैसे आजकल हम अपने मोबाइल में पिक्चर खींच लेते हैं, स्टोर हो जाती है, ठीक वहां से डाटा स्टोरेज की शुरुआत होती है। और मैं आदमी ने जब अपनी उंगलियों का यूज स्टार्ट किया था करना, वहां से काउंटिंग की शुरुआत होती है, मैथमेटिक लगा लो या डाटा को स्टोर करने की शुरुआत यहां से होती है। अब मैथमेटिक की शुरुआत हुई तो आगे अनेक प्रकार के डिवाइस बने, कौन कौन सी चलो बात करते हैं आगे क्या है। फिर बात है एबेकस के बारे में। देखो इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो जो मेन में कंप्यूटर हैं जो हम सुनने को लिए मिलते हैं, या जो एग्जामिनिंग क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो
एक सबसे पहला जो डिवाइस माना गया है एबेकस, ये वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना गया है, यानी किसी संख्या को जोड़ने के लिए इसका यूज किया था, जोड़ने व घटाने के लिए इसका यूज किया था। अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इसमें जो ये सर्कल टाइप या गोले टाइप दिखाई दे रहे हैं इनको आगे पीछे करके इनकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। स्टार्टिंग में आदमी ने सबसे किसी वैल्यू को काउंट करने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस का यूज किया था। देखो यहाँ पर ये पता लग जाएगा, यहाँ पर इस टाइप का भी एबेकस है। देखो यहाँ ये छल्ले ऊपर नीचे हो जाते थे, तो इनसे इनकी वैल्यू पता लगती थी। इसका डेवलप चाइना में हुआ था 300 BC में, और इसका यूज केवल संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए ही किया जाता था। आगे समझ में? चलो ठीक, आगे बात करते हैं। नेपियर बोन्स भी एक डिवाइस हुई है, जो कि लॉगरिथम के लिए यूज की जाती थी, मतलब जो मल्टीपल वैल्यू को काउंट कर सकती थी। देखो इसकी शायद पिक्चर ना हो, हाँ ये रही है हमारे पास। तो नेपियर बोन्स क्या इस प्रकार की डिवाइस होती थी, जो संख्याएं जब ज्यादा हो जाती थी, मल्टीपल हो जाती थी, तो बड़ी संख्या को काउंट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता था, मल्टीप्लाई करने के लिए या बड़ी संख्या को काउंट करने के लिए इसका यूज किया। जैसे अभी एबेकस की बात हुई थी, एबेकस क्या होता था, छोटी संख्या को काउंट कर सकता था, ये बड़ी संख्या को काउंट करने के लिए इस प्रकार की जो ये स्टिक्स हैं इनका यूज किया जाता था। इनके ऊपर कोई वैल्यू लिखी थी, वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको जोड़ा या घटाया जाता था। नेक्स्ट है स्लाइड रूलर। स्लाइड रूलर इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था 1632 ईस्वी में, और इसका जो यूज है वो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का स्केल होता था जो किसी वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज किया जाता था। सबसे पहले जो स्केल की मतलब कोई लंबाई चौड़ाई मापने के लिए या कुछ ऐसा, और मेनली तो देखो नासा इंजीनियर के लिए या कुछ ऐसा बताया गया है, नासा इंजीनियर ऑफ द मरकरी, मतलब कुछ ऐसा कुछ बताया गया है। ये स्लाइड रूलर कंप्यूटर होता है, और जो 1632 में इंग्लैंड में बनाया गया था, इसका यूज इंजीनियरिंग वर्क के लिए किया जाता था। नेक्स्ट बात कर देते हैं कैलकुलेटिंग क्लॉक। पास्कल भी बनी है एक डिवाइस, लेकिन इसके बारे में, हाँ पास्कल के बारे में बता देता हूँ। जो ये डिजिट होते हैं यहाँ पर ना, डिजिट आते हैं जैसे हमारे ये डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6, संख्याएं नहीं होती हैं, तो उनको ये काउंट करते हैं। जैसे 8 डिजिट की ये डिवाइस थी, ठीक है, ये 6 डिजिट की डिवाइस थी, ऐसे ही ये जैसे, हाँ ये 6 डिजिट की डिवाइस थी। यहाँ पर संख्याएं दिखाता था कि संख्याओं में डिवाइड करके, सॉरी संख्याएं दिखाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीरीज में। आगे है सबसे मेन कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर को सबसे दुनिया का मेन कंप्यूटर माना गया है। क्या कैसे माना गया, चलो बात करते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर जो इंग्लैंड में बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज व्यक्ति था एक जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। लेकिन इसकी भी हिस्ट्री बहुत लंबी है, चार्ल्स बेबेज और चार्ल्स बेबेज एनालिटिक कंप्यूटर की। जो ये मशीन है, ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी मशीन थी जो कि सभी प्रकार की मैथमेटिक गणनाएं कर सकती थी। और लेकिन चार्ल्स बेबेज इसको सक्सेस नहीं कर पाया था, मतलब चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था इसको, बनाया था, लेकिन उसको ये चला नहीं पाया किसी कारण से। इसमें कुछ पेपर कौन सा लगता था ऐसा कुछ उनको समझ नहीं आ पाया, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर कुछ टाइम बाद लेडी अगस्टा ने इसको चलाया था, इसमें कुछ अपना प्रोग्राम लगाया था, प्रोग्रामिंग के बाद ये सक्सेस चल गया था। और लेडी अगस्टा और राडा बायरन इन दोनों ने इस कंप्यूटर को चलाया था। चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन इसको बोला जाता है। ये एक प्रकार की मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है ये, और लेकिन इसके सिद्धांत पे ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए हैं। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था? नहीं, कंप्यूटर का मतलब चार्ल्स बेबेज ने तो ये वाला कंप्यूटर बनाया था, हमारे वाला कंप्यूटर नहीं बनाया था जो कि डिजिटल है। लेकिन फिर भी इसको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने तो एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई थी, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसके बाद दुनिया को पता लगा था कोई इस प्रकार की डिवाइस भी हो सकती है जो सभी प्रकार की मैथमेटिक गणनाएं कर सकती है, और इसके सिद्धांत पर, इसकी टेक्नोलॉजी पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया है, जो कि ENIAC था, बताएंगे अभी आगे। तो
तो ये भी एक प्रकार का कैलकुलेटर था जो कि सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता था। और चार्ल्स बैबेज और लेडी अगस्टा के द्वारा ये बनाया गया था। इसी कारण से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर और लेडी अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर था, उसके बाद जो पहला कंप्यूटर बनाया गया, वैसे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं ये चीज बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये चीज आती है। फिर आया हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो ये टाइम है, देखो यहाँ पर दिखाया है 39 से लेकर 42, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये ऊपर नीचे होती रहती है, परफेक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन नियर बाय 40 और 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन को माना गया है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाए गए वो वैक्यूम ट्यूब बेस होते थे। यहाँ पर लिखा है कंटेन वैक्यूम ट्यूब, मतलब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से डाटा को कन्वर्ट किया जाता था, मतलब डाटा को प्रोसेस किया जाता था। और इस प्रकार की ये जो डिवाइस हुआ करती थी, देखो कुछ डिवाइस है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। मेनली जो एग्जाम्पल बताया गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, वो बताया गया ENIAC। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी आप लोगों को बताया गया है, एक बार फिर रिपीट हो रहा है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यानी एक ये कैलकुलेटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। जैसे चार्ल्स बैबेज के बारे में बात करी हमने, चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर भी एक कैलकुलेटर था जो कि सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता था। ठीक उसी प्रकार ENIAC भी एक कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, ये भी सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता था, लेकिन चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। और ये वाला जो ENIAC कंप्यूटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि दो प्रोफेसर द्वारा बनाया गया था, जॉन मैक्यूली जो कि 20 ईयर्स ओल्ड के थे, और प्रेपर्स ई क्रैक्ट। ये जो कंप्यूटर बनाया गया नियर बाय नियर 43 और 45 के बीच में बनाया गया था। और जो ENIAC था, इसको ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। इसका बताया कि भी गया कि कितना बड़ा होता था, मतलब 20 बाय 40 फीट के रूम में इसको रखा जाता था। वेट समथिंग समथिंग 30 टन के यूज नियर बाय था। और जो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, 18,000, 19,000 और 20,000, मतलब 19, 18, 20,000 के करीब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती थी। और वैक्यूम ट्यूब इतनी सारी होंगी तो इसी वजह से इसका जो साइज होता था वो बढ़ जाता था और इसका वेट भी बढ़ जाता था। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये ENIAC कंप्यूटर था, ये ENIAC कंप्यूटर है आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया है दुनिया का जो कि सभी प्रकार की मैथमेटिक गणनाओं के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ये एक सिंपल एक कैलकुलेटर था, हमारे एक जनरल कंप्यूटर की तरह ये काम नहीं करता था। ये ENIAC है, यहाँ पर कोई ये देखो ये मैकेनिकल स्विच लगे होते हैं इसके अंदर, ये मैकेनिकल स्विच से कोई वैल्यू डाल रहा है। और ये इसमें एनालॉग मीटर होते थे, एनालॉग मीटर जो सुई वाले मीटर होते हैं उनसे हमें कोई वैल्यू का पता लगता। ENIAC के बारे में बताया गया, ये ENIAC ही कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे इसके अंदर कुछ ही, और जो वायरिंग है देख सकते हो आप, और ये मैकेनिकल स्विच लगे होते हैं। समथिंग समथिंग 3,000 के आसपास इसके अंदर मैकेनिकल स्विच लगे होते हैं। मैकेनिकल स्विच का जानते हो आप लोग, जैसे हमारे कीबोर्ड में जो स्विच होते हैं, बटन होते हैं, ये डिजिटल है। मैकेनिकल स्विच क्या होता है, जैसे हमारी स्टेपलाइजर नहीं होती है, जैसे उसमें वैल्यू को कम किया जाता है ज्यादा किया जाता है, मतलब घुमा के जिसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जाता है उसे मैकेनिकल स्विच कहा जाता है। जैसे हमारे पंखे का रेगुलेटर होता है उसकी पावर कम ज्यादा करने के लिए, ठीक इसी प्रकार इसके अंदर मैकेनिकल स्विच लगे थे डाटा को फीड करने के लिए। उसके बाद टाइम बीतता गया और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। ये रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब, ये बेड वैक्यूम ट्यूब है जो बदल रहा है, और यहाँ पर बताया गया है 19,000 के करीब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। ये सभी आपको जो दिखाई दे रही है ये वैक्यूम ट्यूब है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था।
सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल नहीं, लेकिन आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्लाइड में आपको बताया गया है पूरी अच्छी तरीके से। अगर ना समझ में आयो तो वहां जाके आप देख सकते हो। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर क्या होता, एक स्मॉलर कंपोनेंट होता था, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव मतलब, और वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता होता था, एंड इंक्रीज कैलकुलेटिंग स्पीड। और ये जो कैलकुलेशन गणनाएं करने की जो दर होती थी स्पीड की, उसको इंक्रीज कर दिया था इसने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया, VNIA, कुछ VNIA VAC ये कंप्यूटर बना था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड होता था, IC जिसको बोला जाता है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो बने थे उनके अंदर IC का यूज किया। देखो, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता, तीसरी जनरेशन में हमारे जो कंप्यूटर है उनके अंदर IC का यूज किया जाता था। IC क्या है, अकॉर्डिंग टू वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर बहुत एडवांस काम करता था, और इससे आपके कंपोनेंट का साइज भी कम हो गया था, मतलब कंप्यूटर का साइज भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, उसके प्राइस भी कम हो गए थे, और वो इजी तरीके से काम भी करने लग गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारे माइक्रो प्रोसेसर बेस होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, CPU का नाम सुना होगा आप लोगों, CPU 1970 के बाद आज तक यूज किया जाता है। CPU क्या है, एक ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है एक तरह की, जिसके अंदर IC के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर उतने ज्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। तो 1970 से लेके आज तक जो कंप्यूटर बने हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया है। देखो, कहने को तो फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से फिफ्थ जनरेशन नहीं आई है। जो हमारी रोबोट टेक्नोलॉजी है उसको फिफ्थ जनरेशन माना गया है। रोबोट टेक्नोलॉजी जैसे हमारा एंड्रॉइड है, एक तरह का रोबोट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, और जो रोबोट बन चुके हैं लेकिन वो आम नहीं है। जिस दिन आम हो जाएंगे, जैसे में आम दुकानों में बिकने लग जाएंगे, तो उसे हम तब हम फिफ्थ जनरेशन मान सकते हैं, लेकिन अभी फिफ्थ जनरेशन नहीं आई है। और ये आपकी फोर्थ जनरेशन की ही बात हो रही है। फोर्थ जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि 99 का 1990 के बीच में इस टाइप के कंप्यूटर बनाए गए थे। और ये देखो, मॉनिटर भी इस टाइप का हुआ करता था, आजकल तो LCD आ गई। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर एक इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और मैनी पिन होती है, मॉडल के अकॉर्डिंग ये पिन कम ज्यादा होती रहती है। आजकल तो i3 i3 i5 i9 के करीब प्रोसेसर आ चुके हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर, स्टार्टिंग के माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार के हुआ करते थे, ये भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे हमारे, उनसे भी काफी प्रकार की डिवाइस बनाएगी। जैसे ये है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस है, और फिर अपना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया और अनेक प्रकार के कंप्यूटर्स बनते गए। जैसे ये बना हुआ है, फिर ये बना है, फिर ये बना हमारा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। फिर अपना विंडो का आविष्कार हो गया, जैसे आजकल विंडो, अभी Windows 3 है, Windows XP आई, उसके बाद फिर Windows 7 आई, फिर अपना Windows 8 भी, आजकल Windows 10 आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है तो क्वालिटी बढ़ जाती है कंप्यूटर की। पहले के टाइम में कंप्यूटर बहुत स्लो आते थे, आज के टाइम के कंप्यूटर बहुत फास्ट है। हम बात कर लेते हैं 2000 सन में भी डिजिटल कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे, तो लेकिन 2000 सन के बीच में जो हमारे पास कंप्यूटर आए थे वो Pentium 4 के नियर बाय, Pentium 3 ये आए, लेकिन उनकी स्पीड और आज के कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आज के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसके अंदर ट्रांजिस्टर की संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू पहले कंप्यूटर के। हमेशा याद रख लेना आप लोग एक चीज, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, उतनी ही ज्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज होती है।
इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आ गई हो आप लोगों को तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।